क्योंकि लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग, सबकी प्रिपरेशन चल रही है और ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वो हर वो चीज कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। आप जानते हैं इंडिया भाई पॉपुलेशन में कितनी आगे पहुंच चुकी है ना, वैकेंसीज के लिए बहुत मारा मारी है, रिसोर्सेज सबको बराबर अवेलेबल हो रहे हैं। पहले तो रिसोर्सेज भी कम अवेलेबल थे ना, कुछ लोगों के पास ही थे एक्सेस जो थी, लेकिन अब तो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना सबके पास, दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, नोएडा, सब जगह बंदों के पास में एक ही चीज अवेलेबल है। तो जब सबके पास रिसोर्सेज भी सेम अवेलेबल है तो वो आपसे ज्यादा मेहनत क्यों नहीं करेगा? अब ये मत सोचना कि भाई वो सामने वाला बंदा मुझसे कम मेहनत कर रहा है, जब भी आलस आए ना तो ये चीज दिमाग में डाल लेना अच्छे से, सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसको जाना है, उसको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो सोच लो आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने का जो एकमात्र तरीका है वो ये एक अच्छी जॉब लेना या फिर एंटरप्रेन्योर बनना, मतलब कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे इमीडिएट गोल तो हमारा ये रहता है कि हमारी जो फैमिली है मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास में जाया जाए, लोअर मिडिल क्लास से प्रॉपर मिडिल क्लास में आया जाए, अपना सोशल स्टेटस सुधारा जाए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट आ जाए, है ना। देखो अलग अलग गोल्स होते हैं सबके, किसी को ये चाहिए होता है, किसी को फैमिली लेगेसी जो होती है वो आगे बढ़ानी होती है, किसी को क्योंकि फैमिली आर्म फोर्सेस वाली रहती है तो भाई उस हिसाब से करना होता है, कोई अपनी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर बनना चाहता है, किसी को गोल कुछ होता है, किसी को गोल कुछ होता है, किसी का लाइफस्टाइल से रिलेटेड रहता है ना, किसी का सिर्फ घूमने से रिलेटेड रहता है, सबके गोल्स अपने अलग अलग रहते हैं, किसी का गलत नहीं है, किसी का सही नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होता किसी का गलत है किसी का सही है, नहीं, सबके अपने अपने हिसाब से जो है, तो उस हिसाब से आपको अपने गोल को एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस में कन्वर्ट करके वर्क करना है ना। अपने सामने लिख लो कि भाई मैं इस गोल के लिए काम कर रहा हूँ, उसको चिपका लो, उसको चिपका लो, दिन रात उसको देखते रहो, चीजें याद रहेंगी, आलस नहीं आएगा, डिसिप्लिन में रहोगे, डेली क्लास अटेंड करो, ठीक है। तो आपके भी वीडियो में चीजें रखो, बहुत बेटर रहेगा, लाइफ डिसिप्लिन रहेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे।